नमस्कार, तर्कश में आपका स्वागत है। आज मेरे मेहमान हैं सुशील कुमार शिंदे, जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत है सुशील कुमार शिंदे जी इस कार्यक्रम में आपका। भारत बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है दुनिया की, और उसके लिए भारत की ऊर्जा ज़रूरतें भी बहुत ज़्यादा बताई जा रही हैं। आप पिछले 6 साल से पावर मिनिस्ट्री का कामकाज देख रहे हैं, हाल ही में 3 साल पूरे किए हैं यूपीए ने। पावर मिनिस्टर के तौर पे कितने संतुष्ट हैं भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के फ्रंट पे, अगर बात करूं? देखिए, जब मैं इसको एक और तरीके से देखता हूं, क्योंकि 2006 में मैं जब इस पावर सेक्टर में आ गया, मैं तो आंध्र प्रदेश में राज्यपाल था, और मुझे प्रधानमंत्री जी और सोनिया गांधी जी ने यहाँ बुलाया और ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो मैंने उस वक्त देखा था कि वो 10वीं पंचवर्षीय योजना का आखिरी साल था, और ये आखिरी साल में मैं असेस कर रहा था कि 42,000 मेगावाट का टारगेट दिया था, तो एक्चुअल हो गए 21,000 ही हो गए। तो मैं उसमें बहुत गहराई से देखते हुए कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं ये निकालने का प्रयास किया। पहली तो एक दिक्कत थी कि हमारे देश में बिजली बनाने के लिए जो सामग्री के कारखाने हैं वो एक ही है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल कंपनी। उनकी मोनोपोली, मोनोपोली मत कहिए उसको, मोनोपोली नहीं कह सकते हैं, एक ही थी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने में टरबाइन बॉयलर बनाने में एक जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कस्टमर नहीं आता है, तब तक कोई नहीं बना सकता था, ये बात थी। दूसरी बात हमने देखी 10वीं पंचवर्षीय योजना में कि जो ऑर्डर्स करने थे 42,000 के, तो वो नहीं हो गए थे, खाली 21,000 के हो गए थे। तो मैंने पूछा कि ये ऐसे क्यों, तो बोले कि मशीन्स नहीं मिलती है। और तीसरा जो एक प्रमुख कारण था कि उसका जो मॉनिटरिंग जो करना था वो प्रॉपर नहीं था। था मॉनिटरिंग, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मॉनिटरिंग करती थी, तो हमने उसमें एक बदलाव किया। प्रधानमंत्री जी के पास हम गए और सबसे पहली बात हमने कह दी कि यहाँ भेल जैसे हमारे को और भी कारखाने चाहिए इस देश में, क्योंकि हमारी कैपेसिटी बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। 2005 में और एक निर्णय ये हमारे सरकार ने ले लिया था कि इस देश के 1,10,000 देहात है वो सब इलेक्ट्रिफाई करेंगे, इस प्रकार का निर्णय 2012 तक करेंगे, इस प्रकार का निर्णय ले लिया था। और ये सब करना है तो बिजली देना है, विचारों की आदान प्रदान करके कार्यवाही करना होगा। तो इसके लिए हमने बोला कि सबसे पहली बात अपने को करनी होगी वो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल कंपनी जैसे और एक कारखाने निकालने होंगे। आज इस देश में 7 कारखाने आ गए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल कंपनी जैसे, लार्सन टूब्रो है, MHI है, अल्स्टाम भारत फोर्ज है, तोशिबा JSW है, वापकॉक थर्मैक्स है, अनसाल्डो है, ये ऐसी कंपनियां आई। तो आज इस देश में अभी टरबाइन बॉयलर बनाने भी चालू हो रहे हैं। और जब 11वें प्लान के आखिरी इसमें आ गए थे तो उसी वक्त हमने निर्णय ले लिया कि 11वें प्लान में हमारे को तैयारी करनी होगी तो अभी से ऑर्डर करनी होगी। तो हमने 11वें प्लान के ऑर्डर करना शुरू कर दे दिए। तो उतने में और एक घटना हो गई कि प्लानिंग कमीशन ने, हम 10वें प्लान में 21,000 मेगावाट किए थे तो 11वें प्लान में हमारे को टारगेट दे दिया 4 गुना बड़ा। ऐसा कभी नहीं होता है, 2 गुना बड़ा हो सकता है, 2.5 times बिग हो सकता है, लेकिन आपको 4 गुना, 4 गुना दे दिया, 78,000 दे दिया, और ये एक चैलेंज था हमारे सामने। तो हमने इसमें रिजिड मॉनिटरिंग लगाई, ऑर्डर्स 12 11वें प्लान के इमीजिएटली प्लेस कर दे दिए,
नामुमकिन चीज थी वैसा देखा जाए तो। लेकिन आपने चुनौती को पॉजिटिव तरीके से और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी तीसरी हमारी यूपीए की वर्षगांठ मनाते वक्त इसका पावर सेक्टर के किया पावर सेक्टर का कि 10वीं पंचवार्षिक योजना में जितनी बिजली 5 साल में बनाए उतनी 1 साल में बनाए, ये हमारे लिए एक शाबाश की है, एक प्रोत्साहन है और हम और इससे ज़्यादा अभी काम करेंगे। अब आपने कहा कि 11वीं योजना में आपको बहुत बड़ा टारगेट दिया गया, बड़ा चैलेंज था, लेकिन आपने पॉजिटिव तरीके से उसको लिया और अचीव किया और प्रधानमंत्री ने भी आपके मंत्रालय की तारीफ की, आपके सेक्टर की तारीफ की। 12वीं योजना का समय आ रहा है तो अभी किस तरह के नए टारगेट आपके लिए सेट किए जा रहे हैं, क्या रियलिस्टिक आप मानते हैं? अभी प्लानिंग कमीशन ने ये सब देखते हुए 11वें पंचवार्षिक योजना में जब मिड टर्म अप्रेजल होता है जी, उसको 78,775 के निकाल के 62,000 मेगावाट पे लाया टारगेट वो 11वें प्लान का। और आप देखिए 55,000 हमने किए हैं। आज गैस नहीं मिलने से हमारे 7,000 मेगावाट ऐसे ही अनयूटिलाइज हो गए हैं, नहीं तो हम 62,000 बनाते थे। तो गैस नहीं मिला, फ्यूल की शॉर्टेज थी। तो अभी 12वें प्लान में हम कह रहे हैं कि रियलिटी पे टारगेट देना चाहिए। आज वैसा देखा जाए तो हमारा काम 80,000 मेगावाट का काम गए 2 साल से चला है जी। वो टारगेट पर कुछ ये नहीं है, हम ज़्यादा भी दे सकते हैं उससे भी, बट टारगेट रियलिटी पर बेस होना चाहिए। तो रियलिस्टिक टारगेट आप क्या मानते हैं? वो अभी तो हमारा जो ग्रुप है वो बोल रहा है कि 75,000 तक देना चाहिए टारगेट, ऐसा वो कहता है। पावर सेक्टर ने लगातार वृद्धि दर्ज की है, तरक्की दर्ज की है, जो अचीवमेंट जो टारगेट सेट किए गए उनको अचीव करने की कोशिश की है, कई बार बढ़ के भी काम किया है। आप कह रहे हैं कि BHEL जैसे कई बड़े कारखाने यहाँ पर आ रहे हैं, आप बड़े टारगेट अपने लिए सेट करना चाहते हैं, लेकिन जो फ्यूल की शॉर्टेज है, पिछले दिनों कोयला ना मिलना एक बड़ा मुद्दा था, वो क्या अभी भी उतना ही बड़ा मुद्दा है और उसकी वजह क्या है कि पावर सेक्टर जब इतनी तरक्की कर रहा है तो उससे जुड़े हुए जो दूसरी ज़रूरतें हैं उनकी तैयारी शायद उस गति से नहीं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न पूछा है। देखिए इस देश में हम अभी तक 5 साल में 10,000 मेगावाट 15,000 मेगावाट इतना ही करते थे। ये हमारे दूसरे जो डिपार्टमेंट है कोयले का, ये इन लोगों के समझ में नहीं आ गया कि हमारे को कोयला इतना ज़्यादा लगेगा, इतनी गति से भी काम हो सकता है, जल्दी काम हो सकता है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का प्रभाव इस पर है। तो हमारा एक फास्टर, इतनी रफ्तार से हम आगे चले तो कोयला डिपार्टमेंट थोड़ा पीछे रहा, उसी के लिए प्रधानमंत्री ने अभी उनको कह दिया है कि 5% प्रोडक्शन बढ़ा दें। तो मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन बहुत संक्षेप में आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि आप तैयार हैं, पावर सेक्टर तैयार है, लेकिन फ्यूल की कमी की वजह से जो टारगेट आप सेट कर रहे हैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। नहीं, वो टारगेट का मॉडिफाई तो हो जाएगा, बट अभी भी मैं समझता हूँ, देखिए हमने तो कई कोल ब्लॉक्स दे दिए हैं, कैप्टिव कोल ब्लॉक्स दे दिए हैं, हमारे को कहाँ से भी बिजली चाहिए। हमने तो बोला है कि प्राइवेट लोग करते हैं तो वो जो कैप्टिव कोल मिले हैं उसको कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे बिजली बेचना चाहिए, उसमें भी हम ये प्रयास करने के लिए लगे हुए हैं। सुशील कुमार शिंदे जी से ये बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे जी से। हम बात कर रहे थे अभी फ्यूल सप्लाई की, और फ्यूल सप्लाई एक बड़ा कंसर्न है आपके लिए, आपके पूरे सेक्टर के लिए। आज की तारीख में आपने कई सारे उपाय किए हैं, क्या कोल इम्पोर्ट करना भी एक ऑप्शन है? कोयले की वैसे कमी नहीं है, हमारे को खाली ये उसका माइनिंग करना पड़ेगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। कोल हमारे पास बहुत है, लेकिन सद्य स्थिति में हमारे को
बाहर से मंगवाने की जरूरी इसलिए होती है कि उतना सप्लाई हमारे को नहीं मिलता है, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स की आपने बात की, दो बड़े ये प्रोजेक्ट्स आपने उनका जिक्र किया। हमारा 16 का प्लान है, अभी तक तो 4 हमने बेचे हैं कॉम्पिटिटिव बिडिंग पर जी। सबसे सस्ती बिजली 1 रुपया 19 पैसे, इतने में बिजली मिलती है। आज कहाँ भी 1 रुपया 19 पैसे में बिजली नहीं मिलती है, तो ये कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट देने से ये हमारे कंज्यूमर का फ़ायदा होगा, देश का भी फायदा होगा, क्योंकि हमारा 2003 का जो कानून है वो कहता है हम इस देश को पावर देंगे कैसी, सस्टेनेबल पावर, चीफ एंड क्लीन पावर देंगे। ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये सब हम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट में सुपर क्रिटिकल मशीन्स लगा रहे हैं, तो क्लीन पावर उससे मिल जाएगी और सस्ती कीमत में। एक एक प्रोजेक्ट जो हमारा 4000 मेगावाट का है जी, उसकी कीमत $4 बिलियन है, यानी 20,000 करोड़ रुपए का एक एक प्रोजेक्ट है। ऐसे 4 तो गए हैं, अभी 5वां उड़ीसा का अभी आ रहा है इस देश में, और आप 16 ऐसे प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं और फिर बढ़ते जाएंगे इस तरह, यानी 11 और आ जाएंगे। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा एक और कोल ब्लॉक्स वाला जो मसला था, उस पर सरप्लस कोल को लेके विवाद था, जीएम ने फैसला किया है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले? बहुत ये भी क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा आपने। ये अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट ससान नाम का मध्य प्रदेश में ससान का था, वो पहला उसमें 2 ब्लॉक थे और 2 ब्लॉक में 12 MMTC 12 मिलियन टन का कोयला निकलने का अंदाजा कोयला मिनिस्ट्री को था, वो दिया उन्होंने जी। तो उस वक्त के पावर मिनिस्ट्री के मंत्री और जो भी लोग थे सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि ये 16 मिलियन टन यहाँ रखते हैं तो उसके लिए और एक दूसरा ब्लॉक देना चाहिए, तो वो उन्होंने दूसरा एक ब्लॉक दे दिया, तो 3 ब्लॉक हो गए वहाँ और वो बिडिंग प्रोसेस पे रख दे दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने देखा रिलायंस वालों ने, वो जो 2 ब्लॉक में 12 मिलियन टन निकलता था और जो तीसरा एक ब्लॉक दे दिया था, वो बोला कि ये जो 2 ब्लॉक में मैं अमेरिका की मशीनरी लाके इसमें मैं 16 मिलियन टन निकालता हूँ जी, और जो तीसरा ब्लॉक है वो मुझे दीजिए। तो वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने निर्णय ले लिया, वो तीसरा ब्लॉक पहला ही मिला था ये उसे, तो वो ब्लॉक से बिजली आप दे सकते हो बट कॉम्पिटिटिव बिडिंग पर दे सकते हो। तो उसने 2 रुपये 34 पैसे में बिजली, वो अभी PPA साइन नहीं हो गया है, बातें तो बहुत चल रही है, PPA साइन नहीं हो गया है, कुछ अभी काम भी नहीं शुरू हो गया है इसका, ससान का भी अभी बिजली नहीं चालू होगी। लेकिन क्या कि नहीं, ये उसका डिफरेंस निकाला 2 रुपये 34 पैसा और 19 पैसा, 25 साल में कितना फ़ायदा होगा। अभी आप ये सोचिए कि इस देश में 2 रुपये 34 पैसा या 1 रुपये 19 पैसा बिजली कहाँ मिलती है मुझे बताइए, और 25 साल का हम अकाउंट कर रहे हैं जो भी कुछ हो, 12,000 करोड़ या 10,000 करोड़ या 9,000 करोड़, ये बिजली की कीमतें बढ़ने वाली है। हम इस देश को बिजली चाहिए और हम तो चाहते हैं कि जितना कोल ब्लॉक्स है उससे कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे बिजली निर्माण करे पहले इस देश में। जब हमने 1,10,000 देहातों को बिजली देने का तय किया है, सब गरीब लोगों को बिजली मिल जाए ये हमारा प्रयास है, लेकिन कभी कभी ये ऐसी भी दिक्कतें आ जाती है, क्या करेंगे। तो आपको उससे आदमी नाउमेद हो सकता है, तो आपको लगता है कि नहीं, ये भी बात है। देखिए दूसरा जो तिलिया का ब्लॉक मिला 1 रुपया 77 पैसे से मिला है और उसमें 40 मिलियन टन कोयला निकलता है, 16 मिलियन टन का एक होगा वो, तो बाकी तो इंक्रीमेंटल है। यदि ये भी सोचने की बात है, यदि वो मिला ये रिलायंस को मिला, यदि उसको मिलने वाला था तो एक वो कोयला मिलने वाला था उसे, तो 1 रुपये 19 पैसे के बजाय वो 1 रुपये का रेट देता था और उतना कोयला मिलने वाला है वो उसको प्रयास करता था, ऐसा नहीं हो गया।
आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जब गांव-गांव में बिजली पहुँचानी है, जो बिलो पावर्टी लाइन के परिवार हैं उनको मुफ्त अगर बिजली आप देना चाहते हैं, देते हैं तो आपको बिजली नहीं देते, कनेक्शन देते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि भारत की जो ऊर्जा ज़रूरत है, अगर भारत को विकास करना है तो वो बिना ऊर्जा के नहीं हो सकता, उसमें अड़ंगे नहीं लगाने चाहिए और इस सेक्टर को अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको काम करने दिया जाना चाहिए। लेकिन जो आलोचक हैं सरकार के, उनका ये भी कहना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मुनाफा नहीं होगा तो प्राइवेट पार्टनर्स नहीं आएंगे। ये बात सही है, लेकिन उनके मुनाफा कितना होगा, उसकी सीमा क्या होगी, वो तय होनी चाहिए। देखिए, मुझे सरकार दोनों तरफ तो देखना होगा। एक तो 2003 का हमारा कानून है, चीप बिजली, सस्ती बिजली, क्लीन बिजली, उससे मेरे कंज्यूमर का भी इंटरेस्ट देखना होगा, और दूसरी तरफ मुझे इस देश में ज़्यादा बिजली निर्माण करने का काम देखना होगा। तो प्राइवेट में बिजली निर्माण करने वाले कितने लोग आते हैं ये भी देखना होगा। जब मैं आ गया था ये डिपार्टमेंट में 2006 में, केवल 10% यहाँ प्राइवेट लोग आते थे, आज 33% लोग यहाँ आ रहे हैं, और 12 प्लान का कैलकुलेशन किए तो 55% ये लोग आ रहे हैं। बिजली मंत्री के तौर पर आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा ब्रेक पे जाने से पहले, ब्रेक के बाद आपसे फिर कांग्रेस नेता के तौर पर भी कुछ बातें करना चाहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बड़ा मुद्दा होता है आपके सेक्टर में, उस पर कुछ काम किया है आपके मंत्रालय? है, बहुत अच्छा। अभी मुझे पंजाब के चीफ मिनिस्टर मिल के गए हैं, उन्होंने थेप्ट के बारे में बहुत अच्छा काम किया है। ये डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग अभी तक क्या कहे, चाहे सिंगली कमेटी हो, चाहे चतुर्वेदी जी की कमेटी हो, ये सब हम कंबाइंड लॉसेस हम देख रहे हैं, चाहे ट्रांसमिशन लॉसेस हो, कमर्शियल लॉसेस हो या थेप्ट के लॉसेस हो, ये सब हम डिस्ट्रीब्यूशन में इकट्ठा करके देखते हैं, और उसके 80,000, 70,000, 50,000 ऐसा एक मोटा आंकड़ा दे देते हैं। ये कभी हमने, मैंने ये जो मेरी कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी, वो सब रिटायर्ड सेक्रेटरीज है, उनको मैंने पूछा कि भाई कभी आपने ट्राई किया है क्या ये सेग्रीगेट करने का, कि थेप में कितना लॉस आता है, कमर्शियल बिले न देने के वजह से, टाइमली नहीं देने के वजह से या वसूली नहीं करने से कितना होता है, ट्रांसमिशन से कितने लॉस होता है, या एनी अदर रीज़न, ऐसा कोई किया है क्या? सब ने बोला अभी तक नहीं हो गया। तो मैंने इस पर एक कमेटी लगाई है अभी, और वो कमेटी गवर्नमेंट की नहीं है, बाहर की एजेंसी, पैसा जाएगा मेरा, बट उनको एजेंसी लगाई है हमने, सब पूरे देश में घूम रहे हैं, और उनको बोला है कि ये 4 सेगमेंट में हमारे को निकाल दो, कौन से सेगमेंट में कितना है, यानी एक बार ये मालूम हो जाएगा हमारा कि कौन से सेगमेंट में कितना खर्चा हमारा नुकसान हो रहा है, तो वहाँ हम टैप कर सकेंगे। सुशील कुमार शिंदे जी से कुछ राजनीतिक बातें भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी से। आपके मंत्रालय की तारीफ प्रधानमंत्री ने भी की और लोगों ने भी की, और आपने साबित करके दिखाया है। आप एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, आंध्र प्रदेश के गवर्नर रहे हैं, जब भी कोई बात चलती है तो आपकी तरफ ज़रूर कांग्रेस के नेता देखते हैं। एक बात कही जा रही है कि यूपीए जो है वो पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रस्त है, क्या कैसे देखते हैं इस कमेंट को? देखिए, पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रस्त नहीं है, पॉलिसी हम बनाते हैं और कई बार कोर्ट में जाते हैं और वहाँ स्टकअप होता है, कई बार अपोजिशन जो बिल लाते हैं तो उसे स्टकअप करते हैं। मैं समझता हूँ कि सब इसमें राजनीति करके इस देश आगे नहीं बढ़ सकता है, जो देश को आगे ले जाने वाला प्रोग्राम रहता है, हम सब ने मिल के देश को ऊपर लाना चाहिए, यही मेरा कहना है। और मैं नहीं समझता हूँ कि यूपीए 2 में कुछ ऐसा काम हो रहा है, काम हो रहा है लेकिन इसकी गलत पब्लिसिटी हो रही है। नहीं, लेकिन पिछले 3 सालों में जो भी
आपने कहा कि सरकार ने बड़े फैसले भी लिए, नीतियां भी बनाई, लेकिन विपक्ष ने कभी आपके फैसलों को अटका दिया संसद में, कभी लोग अदालत में चले गए, लेकिन सरकार की तरफ से भी इस तरह का आभास देने की कोशिश की जाती है कि जो आपके गठबंधन सहयोगी हैं वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये बात सही है। देखिए, भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी से, लोकशाही से बड़ा मैच्योर देश है। मैं तो हमेशा उदाहरण देता हूँ कि 77 और 1980 का, 77 में जिस प्रभावशाली हमारी नेता इंदिरा गांधी को सत्ता से नीचे उतार दे दिया, और वही भारत की जनता 80 में उनको इतनी ऊंचाई पर लेके जाके उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, ये हमारा भारत का रोबस्ट कॉमन सेंस का देश है। लेकिन बढ़ते बढ़ते इसमें थोड़ा सा, जिसे राज्य के विषयों पर, राज्यों के कारणों पर या राज्यों के अधिकारों पर, उनके देखभाली पर, ये अलग अलग पार्टियां निर्माण हो गई, और अलग अलग प्रांतों में अलग पार्टी होने से कोएलिशन गवर्नमेंट बनाना संभव होगा। इसको नहीं भी बनाते तो सरकार नहीं चल सकती। जो भी है उससे सरकार बना के हमारे को देश चलाना पड़ता है। और ये बात सही है कि जो सहयोगी होते हैं तो कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं बेचारे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी अलग होती है। जब न्यूक्लियर बिल पास हो रहा था तभी कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी और हमारी आइडियोलॉजी बीच में आ गई, लेकिन बिल पास हो गया जी, वो लेकिन वो उनकी आइडियोलॉजी के साथ वो चले गए। ये भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत इस देश को मिला है, आइडियोलॉजी जब रखते हैं तो हम अलग हो सकते हैं, लेकिन देश बढ़ाने के लिए दूसरे भी लोग आ गए हैं तो बार बार समझाना पड़ता है, समझा के उनको काम में लगाना पड़ता है। ये कठिन काम होता है जी। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी दोनों भी अपने अलग अलग विचारों से ये काम लेते हैं और ज़्यादा उचकाते नहीं है उस। आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र किया, उनको बेदाग छवि, एक अर्थशास्त्री के तौर पर उनको जाना जाता है, लेकिन यूपीए 2 की सरकार पर ख़ास तौर पर ये आरोप लगता है विपक्ष की तरफ से कि महंगाई आप कंट्रोल नहीं कर पाए, जो अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर थी वो कम हुई, और भ्रष्टाचार एक के बाद एक मुद्दे वो सामने आते गए, 2G का हो, CWG का हो, आदर्श घोटाला हो, रक्षा तैयारियों का सवाल हो, एक के बाद एक यूपीए 2 जो आप कह रहे हैं कि उपलब्धियां बहुत हैं। आदर्श से यूपीए 2 का सवाल नहीं, वो तो स्टेट का सवाल है, आदर्श का ये इसमें यूपीए 2 नहीं है। देखिए, मैंने अभी आपको ये लेकिन 2G का मामला है बताया, ये सब ऐसे इस तरह के जो गुमराह होने वाले जो ऐसे आते हैं स्कैम, तो बाद में कुछ पता नहीं चलता है, जो उसकी इंक्वायरी होने के बाद सब ठंडा मामला होता है और देश का तो नुकसान हो जाता है ना इसमें। एक आज ऐसे एक देश में, मैं अभी इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, दुनिया में ये विचार आ रहा है कि इस देश में कुछ नहीं, खाली करप्शन ही है, दूसरा कुछ नहीं, और इस तरह हमारे देश की इमेज हो जाएगी। आज दुनिया में देखा जाए तो हमारी दुनिया की जो आर्थिक परिस्थिति है बहुत ख़राब है, तो भी हम टिके हुए हैं, 7% हमारी ग्रोथ रेट है जो दुनिया में किसी की नहीं है, ये भी इतनी अप्रिसिएबल करना चाहिए। ये छोड़कर हम केवल ये भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, उसका ये हम कब विचार सोचेंगे कि दुनिया में इसका किस तरह विचार हो जाएगा। इस तरह की भी चर्चा हो रही है, आपने अभी जिक्र किया कि जब वामपंथी आपको न्यूक्लियर डील के सवाल पर छोड़कर गए तो दूसरी पार्टियां आईं और न्यूक्लियर बिल पास हुआ और सरकार भी सर्वाइव कर गई उसके बाद, और पूरा अपना टर्म पूरा किया, न सिर्फ टर्म पूरा किया, आप चुनाव जीत के फिर आप लोगों ने सरकार बनाई। एक रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस रूलिंग कोएलिशन में नज़र आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, जब भी सरकार को सहयोग की ज़रूरत होती है संसद में किसी बिल को पास कराने के लिए, तो ये दोनों पार्टियां आपके साथ खड़ी होती हैं, जबकि आपकी सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस जब भी कोई क्रूशल मोमेंट आता है वो एक अपोजिशन पार्टी की भूमिका निभाती हैं। क्या ये बात सही है?
अभी उस पर तो मैं नहीं बोल सकूंगा, लेकिन ये भी एक मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट तो करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, अपना स्टैंड लेना पड़ता है। मैं उस पर भाष्य करना ठीक नहीं होगा, बट ये देश चलना चाहिए, ये पार्लियामेंट चलनी चाहिए और देश के गरीब जनता को हम ऊंचाई पे लेके जाके इस देश की सुविधा देना चाहिए। ऐसा हमारा ये राजनीतिक प्रवास होना चाहिए, हमारी नीति होनी चाहिए। सुशील कुमार शिंदे जी, आपने राज्यसभा टीवी के लिए टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो ये थे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी। अगले तर्कश में एक नए मेहमान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।